हेलो स्टूडेंट्स वालेकुम हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे एज़ यू नो आई एम योर टीचर मिस इकरा, फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल क्लास प्ले ग्रुप डेर स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं आप लोगों की टीचर हूँ और आज हमारा जो वेनसडे डे है उसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी एक मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसमें आपको सबक मिलेगा और आपको ये स्टोरी सुन के बहुत अच्छा भी लगेगा ठीक है आप गैस कर सकते हैं कि आज की हमारी स्टोरी किस मोरल पे होने वाली है जैसे कि मैं जब जब आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ उसमें क्यूट से एक मोरल होता है कि आप लोगों को सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए मम्मा पापा से अदब से बात करनी चाहिए हमने बैड हैबिट्स की गुड हैबिट्स की एक वो करी थी एक स्टोरी करी थी द नीडल ट्री की की थी उससे भी हमको सबक मिला था कि हम जो बार हम हमें जो कुछ मिलता है हम उसकी कभी इज्जत नहीं करते ठीक है तो आज भी हम एक मॉरल स्टोरी के साथ आए हैं एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे बहुत कुछ सीखेंगे फिर जो आपकी टीचर है वो आपसे सवाल करेंगी कि आपने स्टोरी से क्या सीखा ठीक है और आप ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा कि आपको इससे आपने क्या सीखा है इसमें आपको क्या मोरल मिला और मुझे नाम भी बताइएगा जिस चीज़ के मैं आपको नाम बताऊँगी उसके आप मुझे नाम भी बताइएगा ठीक है अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिसमान रहीम बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क ओके टुडे स्टोरी नेम इज़ टू गोड्स आज की हमारी स्टोरी का क्या नाम है बच्चों आज की हमारी स्टोरी का नाम है टू गोट्स ओके आज हम किसके बारे में स्टोरी को रीड करेंगे क्या स्टोरी हम किसके सुनेंगे आज गोड्स की आप जानते हैं कि गोड्स को उर्दू में क्या कहते हैं बकरियाँ बिल्कुल सही जवाब हम गोड्स को कहते हैं बकरियाँ गोड्स मीन्स बकरियाँ अगर एक बकरी होगी तो हम कहेंगे गोट और इसे हम कहेंगे बकरी या बकरा और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा गोट्स होंगी मतलब वन से मोर होंगी टू होंगी थ्री होंगी तो हम कहेंगे गोट्स और उसको हम उर्दू में कहेंगे बकरे या बकरियाँ ओके okay? सो so, आज की जो हमारी स्टोरी है वो है टू गोट्स ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग आर स्टोरी There was a river in a small village. The river name is इज़ with a narrow bridge over it. ठीक है हम जब गांव विलेज के एरिया देखते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल एक बीच में एक रिवर एक दरिया रिवर को उर्दू में क्या कहते हैं बच्चों दरिया एक दरिया सा होता है ठीक है और उस दरिया में एक हमारे यहाँ पे ब्रिज होते हैं जिससे हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते को पार कर सकते हैं तो उसके लिए हम ब्रिज लगाते हैं ठीक है तो वहाँ पे एक विलेज के अंदर एक छोटे से गांव में एक रिवर था एक दरिया था वहाँ पे एक छोटा सा नैरो ब्रिज था ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं कितना छोटा सा है इसमें से सिर्फ एक ही बंदा क्रॉस कर सकता था पीपल यूज़ टू यूज़ द ब्रिज टू क्रॉस ओवर द रिवर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग इसे एक जगह से दूसरी जगह एक एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जाने के लिए रिवर को पार करने के लिए ब्रिज बनाया था उसे क्रॉस करते थे द ब्रिज too टू that only ओनली वन पर्सन क्रॉस एट अ टाइम ठीक है जो ब्रिज था वो बहुत छोटा सा था बहुत पतला सा था कि एक वक्त पे सिर्फ एक बंदा उसे क्रॉस कर सकता था उसमें से जा सकता था उस ब्रिज से जा सकता था ठीक है जो रिवर था वो बहुत नैरो था नैरो मीन्स पतला छोटा ठीक है द ब्रिज वॉज

एक तरफ से एक गोट आ रही थी और दूसरी तरफ से दूसरी गोट आ रही थी और वो दोनों बिल्कुल बीच में बिल्कुल ब्रिज के बिल्कुल दरमियान में जाके मिले ठीक है और उनको जैसे कि जो दूसरी तरफ को गोट, गोट थी उसको पहली तरफ आना था और जो पहली तरफ गोट थी उसको दूसरी तरफ जाना था फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट मीन्स आमने सामने द गोट्स मेट इन द मिडल ऑफ द ब्रिज जैसे कि मैंने आपको बताया वो बिल्कुल दरमियान में मिले आप जैसे ये पिक्चर देख सकते हैं कि जो गोट्स थी वो बिल्कुल दरमियान में मिली थी ओके नाउ द ब्रिज वॉश टू नैरो अब जो ब्रिज था वो तो बहुत पतला सा था बहुत छोटा सा था उसमें से तो सिर्फ एक ही बंदा जा सकता था देयर वॉज नो स्पेस और देम टू पास अब क्या कह रहे हैं वो वो कह रहे हैं कि बहुत कम स्पेस था जिसमें से एक बंदा क्रॉस कर सकता था वो waited, अब वो दोनों कैसे क्रॉस करेंगे दे waited, बट नदर ऑफ them moved बैकवर्ड अब वो दोनों वेट कर रहे थे लेकिन इसमें से कोई भी बंदा नहीं जा सक रहा था अब वो बंदा एक तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो दूसरी तरफ दूसरे बंदे को मुश्किल हो रही थी और दूसरा बंदे जाने की कर रहा था मतलब दूसरी गोट जाने की कर रही थी तो उस पहली वाली गोट को भी मुश्किल हो रही थी ओके अब क्या हुआ वन गोट वॉन्ट द अदर गोट आई एम ओल्डर एंड स्ट्रोंग देन यू सो बैक क्या कहा उसने उसने कहा मैं तुमसे ज़्यादा ओल्डर हूँ मतलब बड़ी हूँ उम्र में गोट ने क्या कहा दूसरे गोट का जैसे कि हमारे जो हमारे जो हमारे जो भाई बहन होते हैं वो भी हमें कहते हैं ना कि हट जाओ सामने से मैं तुमसे बड़ा हूँ या ऐसे हम बात करते हैं ना के वो कहते हैं कि हम बड़े हैं आप हमारी बात सुनो तो कहते हैं कि आप मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ आप मेरी बात सुनो तो वैसे ही हुआ दोनों गोड्स के दरमियान दोनों गोड्स थी जो वॉन रही थी एक दूसरे को एक दूसरे को धमका रही थी एक दूसरे को कह रही थी कि मैं तुमसे ज़्यादा बहुत उम्र में बड़ी हूँ और बहुत ताकतवर हूँ तो तुम पीछे हटो द अदर रिफ्यूज एंड सेट आई एम स्ट्रोंगर दूसरी गोट ने कहा नहीं मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रोंग हूँ यू आर ओल्ड तुम मुझसे बड़े हो एंड विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रॉस द ब्रिज उसने कहा गोट ने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा उम्र में बड़ी हो मतलब वो ओल्ड सी गोट थी बिल्कुल बुढ़ी सी थी या वो वाइट वाली जो गोट देख रहे हैं ना वो अभी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई थी एज में बड़ी हो गई थी उसने कहा पहली गोट ने कहा तुम बाद में जाना पहले मैं जाऊँगा क्योंकि ये तुम बहुत उम्र में बड़ी हो तुम्हें बहुत वक्त लगेगा चलने में जो जो हम जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको चलने में बहुत टाइम लगता है जैसे कि आप जानते हैं वो बहुत स्लो स्लो चलते हैं तो उस गोट ने भी ऐसे ही कहा उस ओल्ड गोट को कि आपको टाइम लगेगा जाने में तो पहले मुझे जाने दीजिए तो ऐसे करते करते उन दोनों की क्या हो गई लड़ाई हो गई लड़ाई को क्या कहते हैं फाइट हो गई हमारे भाई बहनों में भी फ़ाइट हो जाती है ना जब वो कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ वो कहते हैं है, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूं ऐसे हमारे बीच में भी लड़ाई हो जाती है तो वो दोनों गोड्स के दरमियान भी ऐसी एक लड़ाई हो गई सुन दियर आर्ग्यूमेंट टर्न इंटू फाइट अब उन दोनों की जो आर्ग्यूमेंट uh, थी वो दोनों बहस कर रहे थे अब वो बदल गई एक लड़ाई के अंदर एक जैसे कि हम फाइट करते हैं तो हम एक दूसरे को मारते हैं हिट करते हैं वैसे जो उनकी गोट की लड़ाई होने लगी आप देख रहे हैं पिक्चर में कैसे वो दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं वैसे अब उनकी जो बहस थी वो लड़ाई में बदल गई वन गोट स्ट्रक द अदर गोट विद दिस स हॉन्स क्या हुआ कि उस बकरे ने क्या कहा उसकी जो ये सिंगे होती है वो उन्होंने दूसरे को टकरा के मारने लगे क्या करने लगे एक जो उनकी जो सिंगे थी वो एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे को हिट करने लगे फाइट करने लगे द सेकेंड गोट वॉज शॉक्ट दी न्यू इफ दे कंटिन्यू फाइटिंग जो सेकेंड गोट थी वो शॉक हो गई मतलब घबरा गई ही न्यू उसको पता था इफ दे कंटिन्यू फाइटिंग देन दे वुड फॉल ओवर ऑफ द ब्रिज एंड ड्रॉन उस कोर्ट ने सोचा कि अगर ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई तो इसमें से कोई ना कोई तो गिर जाएगा और वो ब्रिज के जो पानी है रिवर में उसमें गिर जाएगा हम रिवर के ऊपर ब्रिज था ना अगर हम झगड़ा करेंगे फाइट करेंगे इतनी छोटी सी जगह पे तो हम किसी को भी हिट करेंगे तो सामने वाला तो गिर जाएगा तो गोट ने ऐसे ही सोचा गोट ने सोचा कि अगर हमने एक दूसरे को ज्यादा हिट किया तो वो ब्रिज से ड्रॉन हो जाएगा गिर जाएगा फॉल ऑफ हो जाएगा ठीक है ही शॉट इट आउट टू द अदर गोट उसने क्या कहा शाउट किया चिल्लाया अदर गोट पे दूसरे गोट पे स्टॉप इफ वी फाइट वी विल फॉल इन टू इन टू द रिवर एंड रॉन इन स्टिल आई शैल लाइ डाउन एंड यू यू मे वॉक ओवर मी क्या कहा उसने उसने कहा स्टॉप रुक जाओ अगर हम तुम गिर गई तो, या हम में से कोई एक गिर गया तो क्या होगा हम पानी में गिर जाएंगे फॉल डाउन हो जाएंगे ठीक है और उसने कहा कि मैं नीचे झुक जाती हूँ तो मेरे ऊपर से चली जाओ जो दूसरी गोट थी वो बहुत अच्छी थी जो वाइट कलर की गोट है वो ओल्ड थी ना उसने सोचा कि क्यों ना मैं झुक जाऊँ तो वो साम जो गोट है वो आराम से गुजर जाए वरना अगर ये लड़ाई चलती रहती तो इसमें से क्या होता एक तो गिर जाता फॉल डाउन हो जाता और वो पानी में डूब जाता ठीक है तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए हम भी झगड़ा करते हैं एक दूसरे को हिट कर देते हैं लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए हमें समझदारी करनी चाहिए ठीक है और हमें उसका हल निकाल लेना चाहिए ठीक है द वाइज गोट देन ले डाउन ऑन द ब्रिज क्या हुआ कि जो वाइज गोट थी वो जुक गई ब्रिज के पास वो वो क्या हुआ वो गई ओके हमें उसने समझदारी की और वो झुक गई ताकि वो गिरे नहीं ठीक है और उसके बाद जो दूसरी गोट है वो आराम से चली जाए ठीक है हमें भी ऐसे ही करना चाहिए हम भी जब कभी कभी बहुत फाइट कर लेते हैं एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं जैसे कि जब बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं कभी स्कूल में जब लाइन लगती है कहीं जाने के लिए तो हम क्या करते हैं बहुत लंबी लाइन होती है एक दूसरे को हिट कर देते हैं धक्का मार देते हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पर क्राउड होता है रश होता है तो हम एक दूसरे को हिट करके आगे बढ़ जाते हैं लेकिन उससे क्या होता है कि सामने वाले को लग सकता है आपको लग सकता है हम एक दूसरे को हिट कर देते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें हिट नहीं करना चाहिए हमें ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले को लगे भी नहीं और वो हम दोनों की दोस्ती भी हो जाए और उसके बाद वो आराम से निकल भी जाए तो ये जो गोट थी वो बहुत अच्छी थी उसने भी ऐसा ही किया वो आराम से झुक गई और जो दूसरी गोट थी वो आराम से निकल गई ठीक है अब हम हमें भी उस गोट से सीखना चाहिए कि हमें ऐसे झगड़ा नहीं करना है द वाइज गोट वो वाइज थी बहुत अक्लमंद थी जो वाइज होते हैं वो अक्लमंद होते हैं कि वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते वो सामने वाले को हेट नहीं करते और वो किसी के साथ बुरा भी नहीं करना चाहते ठीक है तो उसने भी यही किया उसने सोचा कि अगर मैं हमारी लड़ाई चलती रही चलती रही तो वो तो गिर जाएंगे और उसके बाद फॉल्डन हो जाएंगे और पानी में डूब जाएंगे इससे अच्छा है कि मैं नीचे झुक जाऊं और सामने वाले को रास्ता दे दूँ जाने के लिए अब यहाँ पे ऐसा ही हुआ द वाइज गोट देन ले डाउन ऑन द ब्रिज एंड द अदर गोट वॉकड केयरफुली ओवर हिम ठीक है क्या कहा उस कि वो आराम से झुक गई थी और उसके बाद फिर वो उसमें से आराम से निकल गई ठीक है दूसरी गोट ने उस पर से छलांग लगाई और वो आराम से गोट पे से गुजर के चली गई जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वो कितनी ईजीली उससे उसने पीछे से गुजर के निकल गई क्योंकि वो तो झुक गई थी ठीक है सो दे फाइनली वेंट पास अदर ईच और क्या हुआ उन्होंने एक दूसरे को फाइनली पास कर दिया वो उस तरफ जिसको जाना था वो उधर चली गई और जिसे इधर आना था वो इधर आ गई ठीक है हमें भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे बड़े भाई बहन हो हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि अगर वो हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं तो हमें उनको मारना नहीं है हमें उनको प्यार से समझाना है और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमें उनको भी कभी हिट नहीं करना बहुत ज़्यादा रश होता है तो हम एक दूसरे को हिट कर देते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो भी एक दूसरे को हिट कर देते हैं कि मैं पहले चले जाऊँ लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें सामने वाले को रास्ता दे देना चाहिए अगर वो हमें नहीं दे रहा रास्ता बोलने के बाद भी तो हमें क्या करना चाहिए हमें उसे खुद से रास्ता दे देना चाहिए ठीक है इससे मैं आपको चलो एक स्टोरी सुनाऊंगी कि मैं एक दफ़ा कहीं जा रही थी मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत रश था मेरे सामने एक लेडी थी उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से हिट कर दिया था ठीक है और उसके बाद फिर हम लोगों ने हम आर बीच में एक सर हम मैंने उनको कहा कि आप हट जाएँ उन्होंने कहा मैं नहीं हट आप हट जाएँ आप वहाँ पर इतना रश था जो मैं वहाँ से निकल ही नहीं सकती थी ना वो वहाँ से जा सकती थी हम एक दूसरे को एक दूसरे को साइड पे होना था ताकि वो निकल जाएं ठीक है तो वैसा ही हुआ कि मैं मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा पर वो मान ही नहीं रही थी फिर तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल साइड पर हो गई और जो लेडी थी वो आराम से गुजर गई हमें भी लोगों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए कि वो हमें क्या कह रहे हैं और अगर वो ठीक है तो हम वो नहीं सुन रहे हैं या कुछ भी हैं तो हमें क्या करना चाहिए हाँ वो हमें खुद से पीछे हट जाना चाहिए या उनसे झगड़ा नहीं करना है हम ख़ुद से आ, मतलब अच्छे इंसान क्या होते हैं जो वाइज होता है वो क्या होता है वो सामने वाले को हर्ट नहीं करता सामने वाले की केयर करता है तो हमें लोगों को क्या करना चाहिए उनकी केयर करनी चाहिए और हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ओके स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा और आप मुझे बताइएगा कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा और आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी और जैसे कि मैंने आपको एक सबक दिया है एक मॉरल दिया है इस स्टोरी के लिए आप उसे उसे मानेंगे नहीं मानेंगे और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपके भाई बहन के साथ या मम्मा पापा के साथ तो आप ये ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जी टीचर हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है लेकिन हम कभी कभी ये सोचते ही नहीं हैं कि सामने वाले को भी हर्ट हो हिट हो सकता है या उनको भी बुरा लग सकता है तो हम या हमें भी हमें भी लग सकता है या हमको बुरा लग सकता है तो हमें क्या करना चाहिए हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए और अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो अगर देखें जब वो गोट अगर वो नहीं सोचते और दोनों की फाइट चलती रहती चलती रहती तो क्या होता सामने वाला गिर जाती दूसरी जो गोट होती वो गिर जाती या वो खुद भी गिर सकती थी क्योंकि वो एक दूसरे को हिट कर रहे थे मार रहे थे तो जैसे कि उसने भी अक्लमंदी का अक्लमंदी से काम लिया वैसे भी हमें भी अपनी ज़िंदगी में अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए ओके okay, स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि आप छोटे हैं तो आप, आपको अपने बड़े भाई बहनों की मम्मा पापा की दादा दादी की हमारी फैमिली में जो भी हमसे बड़े हैं या छोटे हैं हमें उन सब की बहुत केयर करनी चाहिए उनको संभाल के अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ के जाना चाहिए इससे क्या होगा क्या आपको कुछ नहीं होगा आप उनके साथ रहेंगे ओके वैसे आजकल जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से हम कहीं बाहर आना जाना नहीं करते बहुत कम जाते हैं तो हमें क्या करना है हमें अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो हम मास्क और सैनिटाइजर का कर यूज़ करना है और अपने आप को एक दूसरे से बहुत दूर रखना है ट्वेंटी फीट का हमें फासला रखना है ताकि हमें करोना वायरस से हम बचाव हो और हम चाहेंगे कि कभी आप ऐसे बाहर ना निकलें बेफजूल अगर आपको कोई काम है तो ही आप बाहर जाइएगा ओके स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आई होप यू लव दिस स्टोरी एंड यू विल अप्लाई दिस मोरल इन योर लाइफ ओके okay, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़